हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर चैनल में। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की सबसे प्रीमियम क्रूजर बाइक मेटियोर 350 का स्टाइलर ब्लू कलर। आज मैं आपको इस बाइक का एक राइड रिव्यू देने वाला हूं कि ये जो बाइक है वो रोड पर चलने में कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहले कीमत की बात करें तो कोलकाता बाइक जोन रॉयल एनफील्ड शोरूम चिनार पार्क में इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 2,44,260 रुपये। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके मोटा मोटी फीचर्स बता देता हूं कि जैसे कि सेफ्टी के लिए इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट में आपको मिलता है 100x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और 19 इंच का यहां पर आपको एलॉय मिल जाता है। जबकि रियर की तरफ चलें तो यहां पर आपको 140x70 सेक्शन का टायर मिल जाता है जिसमें आपको 17 इंच का एलॉय मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है जो 20.4 पीएस की पावर देता है 6000 आरपीएम पर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है 4000 आरपीएम पर। सबसे पहले मैं आपको इस बाइक के एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेटियोर 350 की एक राइड पर और इस बाइक को चलाकर देखते हैं कैसा पावर कंफर्ट इससे मिल पाता है हमें। मीटर कंसोल इसका काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। पहला गियर इसका डलता है नीचे आगे में। सो लेट्स गो। हेलमेट के शीशे को कर लेते हैं डाउन और बाइक को ले लेते हैं हम हाईवे पर। गजब यार, गजब, मानना पड़ेगा बॉस यार। दोस्तों अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम बाइक लेनी है रॉयल एनफील्ड में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट है पिलियन वाली और जो राइडर वाली काफ़ी कंफर्टेबल है। काफ़ी अच्छी कुशन इसमें आपको मिल जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा है इसका ये वाला, मतलब कि इसकी जो हैंडल बार है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, मतलब कि पास में ही है राइडर के। मतलब आपको इस बाइक को चलाते समय ऐसे झुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से मैं इस बाइक को आसानी से चला पा रहा हूँ और बाकी जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा, कोई भी थकान वगैरह मतलब कोई भी फील नहीं होती है अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर चलाते हैं तो। बाकी इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो 20.4 पीएस की पावर देता है 6000 आरपीएम पर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है 4000 आरपीएम पर। तो अभी हम इसके वाइब्रेशन को टेस्ट करके देखते हैं। गजब यार, गजब, भागती तो बहुत है यार कसम से। हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी आपको, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी फील नहीं होगी। मतलब ओवरऑल जो वाइब्रेशन का फीडबैक है वो इसका काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी रिफाइन है। बाकी इसके गियर शिफ्टिंग की बात करें तो इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब कि गियर डालते समय और निकालते समय कोई भी हैवी साउंड फील नहीं होता है। प्रॉपर एक ही बार में गियर डल जाता है, एक ही बार में निकल जाता है और अटकने जैसी मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। वाह, कैसे भी गियर डाल दो गजब है। और बाइक टॉर्क ये देखो गजब है यार। तो अब मैं इसकी पावर और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ कैसी पावर है। वाओ भाई साहब, एकदम भागती है बहुत बुरी तरह। देखा फोर्थ गियर में गजब भाग रही है। गजब गजब भाई गजब। यहाँ पर ना विंड सील दिया गया आगे में, हवा बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे ऊपर। काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस है यार इसकी, मानना पड़ेगा यार। इंजन इसका ना काफ़ी रिफाइन है क्योंकि इस बाइक में अब जो है वो जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर आपको इंजन मिलता है न्यू वाला। और ये देखो भाई, मतलब लहराने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से लहरा सकते हैं। वजन तो है बाइक में वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो काफ़ी अच्छे तरीके से लहरा सकते हैं। गजब है भाई। और अभी मैं यहाँ से इस बाइक को थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ और फिर इसकी टर्निंग रेडियस की बात करें, देखा आधे ही रास्ते में बाइक मुड़ जाती है।
तो चलिए मैं आपको इसका ब्रेक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसा कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, सबसे पहले आगे वाली ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं। तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, स्पीड लगभग मान लो आप 60-70 के आसपास है, इतनी बहुत है। अच्छा, मतलब अच्छी तरह से ब्रेक जो है वो आगे वाली काम कर रही है, काफ़ी डिसेंट तरीके से। मतलब कि जैसे कि डुअल चैनल ABS है तो दोनों ब्रेक अगर एक साथ अप्लाई होती हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है। तो चलिए दोनों को अप्लाई करके देखते हैं। तो अब बात करें इसकी प्राइस की, तो मेटियोर 350 स्टेलर ब्लू की एक्सोरूम कीमत है 2,07,333 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,39,962 रुपये और क्लासिक 350 क्रोम रेड टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत है 2,55,447 रुपये और रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 मॉडल की ऑन रोड कीमत है 1,81,570 रुपये जो मैंने आपको बताई है। कोलकाता बाइक जॉन रॉयल एनफील्ड शोरूम चेनार पार्क कोलकाता। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप भी किसी भी बाइक की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो बाइक के मॉडल का नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।